Good morning. So we'll be starting with our today's lecture. Last time दोनों division में हम लोग same point पे हम लोगों ने stop किया था. So in division A and division B we are done with this factorial वाला program and बाकी के जो programs है we are done with that. So as per this notes we supposed to start with ये strings वाला जो हम लोग का part है. Now, if you remember, strings के लिए हम लोगों ने strings के अलग अलग functions जो है, we are already done discussing those part. So इसको मैं बहुत quickly finish करूँगा. If you remember, हम लोगों ने strings के अलग अलग methods जो है वो try किए हुए हैं. तो यहाँ पे if you notice, they have given some string functions. Like first जो दिया है वो क्या दिया है? That hello world हम लोगों ने store किया into str variable. Then we are trying to print this str variable. Then if I just try to print str and zero, तो index position वाला concept हम लोगों ने पढ़ा था. That in strings we have index position concept. तो वहाँ पे कैसे चीजें workout होंगे? वो हम लोगों ने देखा था. If I just explain again, यहाँ पे if you notice, suppose we have this string, hello world. अब इसको मैं टेबल में डाल देता हूँ. Okay, so now index position for this string starts from 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And agar reverse mein agar mujhe check karna hai toh yahan pe chalo ga minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 for this one, minus 8 here, minus 9 and minus 10. This is going to be my reverse order. ठीक है, तो अब इसमें से कोई तो जैसे यहाँ पे they have used this pattern. क्या use किया है? String str that is variable name and zero. तो क्या करेगा? Exact zero index position पे जो character है उसको वो print करेगा. Same way next इसमें if you notice 2:4 लिखा है, तो 0, 1, 2 से 5 के पहले तक, अगर मैंने लास्ट डिजिट अगर यहाँ पे 5 लिखा है, मतलब 5 के पहले तक क्या जो मेरा कैरेक्टर है वो यहाँ पे प्रिंट होगा. दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक है, तो मैं आपको जो प्रोग्राम्स है वो क्विकली एक बार सिर्फ रिवाइज करा देता हूँ, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम वेरी फ्रेश टॉपिक. सो आई जस्ट ओपन, एक न्यू फाइल ओपन करता है, स्ट्रिंग एग्जाम्पल डॉट पाइथन. क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेंगे, स्ट्रिंग वाले कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़े हैं, दोनों डिवीजन में हुआ है. सो आई क्रिएट वन वेरिएबल, यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, हेलो वर्ल्ड. अब आई कैन जस्ट सिंपली राइट प्रिंट एस टी आर 2:7. सो 2 to 7 तक के जो भी मेरे कैरेक्टर्स है सारे प्रिंट होंगे. ठीक है, सो एज यू कैन सी क्या हो गया. क्या हो गया? ओके, सो ये देखो यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट हो गए. सेम वे इफ आई जस्ट राइट 2:, तो यहाँ पे ये आपका सेकेंड इंडेक्स पोजीशन से आगे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट करेगा. सेम वे इफ आई राइट minus 1,
सो याद रखो रिवर्स में ये लास्ट वाला डी छोड़ के पूरा ये देखो स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड का, क्लियर है? देन सेम वे इफ आई राइट जीरो कोलन तो पूरा ही वर्ड प्रिंट होगा यहाँ पे, सो दैट वे आई कैन राइट. देन इफ आई राइट जीरो goes till 7 and then if I write 2 तो क्या होगा every second character जो है वो print होगा यहाँ पे. देखो 0 0th index position से चालू हुआ 7th index position तक के characters print करेगा every second character. तो h आया e skip किया उसने then l print किया बाद में उसके बाद का और एक l skip किया then o print किया then space skip किया w print किया. Now this goes, okay. So I hope this is clear to everyone. और आपको याद भी है ये वाला point. Yes, you know. Hello. Guys. So, यहाँ पे देखो ये सेम जो पॉइंट है ये आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, ओके? यहाँ पे ये सेम आपको मेथड्स दिए हुए हैं. सो आई एम नॉट अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दिस थिंग्स. यू कैन जस्ट सिंपली रीड फ्रॉम हियर एंड रिवाइज दैट प्रीवियस पार्ट. देन नेक्स्ट हम लोग के पास जो कंसेप्ट है वो है फॉर लूप. तो फॉर लूप हम लोगों ने बहुत लेवल तक कर लिया है. अब यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि फॉर लूप में कोई एक स्ट्रिंग में से वन बाय वन कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं. बहुत सिंपल सा है. सो जो प्रोग्राम अभी हम लोग कर रहे हैं उसी में हम लोग ये फॉर लूप वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे. तो दिस इज आवर प्रोग्राम. आई कैन जस्ट सिंपली राइट फॉर कैर, मतलब ये कैर नाम का मेरे वेरिएबल में str वाला जो मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग बनाया हुआ है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हुआ है. तो वन बाय वन कैरेक्टर जो है HELLO ये वन बाय वन कैरेक्टर जो है वो ये कैर नाम के वेरिएबल में आएगा एंड आई कैन सिंपली जस्ट प्रिंट दिस कैर वेरिएबल. दैट्स इट. ओके सो आई कैन राइट प्रिंट कैर एंड यहां पे देखो ये हेलो वर्ल्ड जो है ये पूरा इफ यू नोटिस यहां पे ये पूरा हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो रहा है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. So that's how I can use for loop on our strings. Quite a simple topic. Then उसके आगे अगर आपको अब देखो एक next program यहाँ पे दिया हुआ है वो next program try करते हैं. एक बार देख लेते हैं notes में आपका program क्या दिया हुआ है. So here they have given one program. अब ये program क्या बता रहा है? We have to add some prefix. देखो यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स दिए हुए हैं ये आपको ऐड करना है. तो हम लोगों का जो आउटपुट आएगा सफिक्स क्या दिया आपको ए सी के. दिस इज माय सफिक्स. ओके सो माय सफिक्स इज ए सी के और उसके आगे इफ यू नोटिस हियर ए सी के ये आपका वर्ड आएगा और उसके आगे ज्वाइंट होते जाएगा जे के एल एम एन ओ पी क्यू. ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे प्रीफिक्स में से वन बाय वन लेटर जो है या कैरेक्टर जो है वो फॉर में ये लेटर वाला जो वेरिएबल है उसमें आएगा और हम लोग यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स ज्वाइन करके प्रिंट कर रहे हैं. दैट्स इट. सो लेट्स ट्राई दिस. हम लोग अगर यहाँ पे जाए सेम अगर हम लोग ट्राई करें सो लेट्स से यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये मैं हटा देता हूँ. वैसे भी हम लोगों का ये वाला पार्ट हो गया है तो ये कुछ काम का नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे विल जस्ट ऐड इसको मैं प्रीफिक्स कर देता हूँ. ओके सो प्रीफिक्स में हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड जो है कोई भी यहाँ पे आप ए बी अल्फाबेट्स डाल सकते हैं. आई कैन राइट ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड देन यहाँ पे मैं डालूंगा सफिक्स और सफिक्स जो है इसके अंदर वी राइट एनी वर्ड जो कंबाइन होके दिखना चाहिए. देन से वन बाय वन जो चीज है वो किस में आएगा कैर में आएगा है ना. एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा कैर प्लस सफिक्स.
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसी के आगे यहाँ पे देखो बैक डैक है ना हैक, तो ऐसे ही आपका स्ट्रिंग जो है वो कोई दूसरे स्ट्रिंग के साथ हम लोग ज्वाइन करके बता रहे हैं। अब ये पॉइंट बताने का मतलब क्या है, हम लोग टाइम पास प्रोग्राम नहीं कर रहे। व्हाट वी ट्राई टू एक्सप्लेन हियर इज दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब स्ट्रिंग्स के अंदर में कुछ चीजें मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो अगर स्ट्रिंग के अंदर में कुछ चीज अगर मॉडिफाई नहीं कर सकता तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके कुछ एक नया स्ट्रिंग हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, यहाँ पे आपको आगे एक टॉपिक मिलेगा। ओके सो ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे होता है वी ऑल नो, अब ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक बड़ा सा स्ट्रिंग है, उसमें मैंने 0 colon डाला, ये अलग से पूरा मैंने बहुत ढंग से आपको कराया हुआ है। सो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस पॉइंट, आपको ये वाला कंसेप्ट जो है ये आपको अभी रिवाइज करना है खुद से। सो यहाँ पे देखो ये जो हम लोगों का वेरिएबल है दैट इज फ्रूट, और उसके अंदर हम लोगों ने जो वैल्यू सेव किया है दैट इज बनाना, और ये उसका इंडेक्स पोजिशन है 0 to 6 है ना। अब मैं यहाँ पे वो इंडेक्स पोजिशन में से कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो है उसको 1 by 1 यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। ओके नाउ स्टार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब मैं यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग जो हुआ है वो स्ट्रिंग को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई एक कैरेक्टर हटा के मैं दूसरा कैरेक्टर नहीं डाल सकता, मुझे ओवरऑल ऑल टुगेदर नया स्ट्रिंग ही डालना पड़ेगा। जैसे इफ आई हैव दिस स्ट्रिंग कॉल्ड बनाना, तो अब आई कैन नॉट डू कि मैं यहाँ पे हर एक ये पूरे नाम में से सारे ए डिलीट कर दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल कब होगा, जब मैं सिर्फ सिलेक्टेड कैरेक्टर्स उसमें से प्रिंट करूं, मतलब वेरिएबल के अंदर जो बनाना लिखा हुआ है ये बनाना वर्ड कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकता, इसके बीच में के जो कैरेक्टर्स है वो मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। आई कैन नॉट राइट यहाँ पे ये देन डबल एन मैं बीच में डाल दूं और ये परमानेंट स्टोर हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे स्ट्रिंग को अगर मॉडिफाई करना है तो मुझे स्ट्रिंग को स्लाइस करके उसके साथ में दूसरे कैरेक्टर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, जो अभी हम लोगों ने जस्ट प्रोग्राम में किया, ये ऊपर वाला जो प्रोग्राम हम लोगों ने देखा ये टाइप का है ना, जहाँ पे हम लोगों ने सफिक्स और प्रीफिक्स कंबाइन करके एक नया वर्ड प्रिंट करने का ट्राई किया। तो वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, आप स्ट्रिंग्स के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, वेरिएबल में जो स्ट्रिंग स्टोर्ड है वो वही रहेगा, आपको अगर मॉडिफिकेशन करने तो ऑल टुगेदर आपको नया स्ट्रिंग ही सेव करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फ्रूट के अंदर बनाना सेव किया है, अब मुझे ये बनाना का स्पेलिंग को ये वे में करना है, तो मुझे वहां पे बीच में एन एन ऐड करने नहीं होगा, आई कैन जस्ट सिंपली राइट फ्रूट इक्वल टू बनाना, तो प्रीवियस वैल्यू ओवर राइट होके ये नया वैल्यू स्टोर हो जाएगा ये वेरिएबल के अंदर। तो आप देखो ऑल टुगेदर नया वैल्यू सेव हुआ, लेकिन ऑलरेडी जो ये बनाना वाला वैल्यू था वो उसके बीच में कैरेक्टर्स आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिस्प्ले करने के टाइम पे हम लोग उसको स्लाइस करके यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन फिर भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रहेगा दैट रिमेन्स द सेम, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई वी कॉल स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब स्ट्रिंग्स के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है वी हैव अ वेरिएबल दैट इज ग्रीटिंग्स, अब यहाँ पे आपको जो वेरिएबल दिया हुआ है ग्रीटिंग्स वाला, इसके अंदर क्या बोला है कि हम लोग जब कभी ये वेरिएबल यूज करेंगे तो हमेशा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये एच जो है ये एच के जगह पे मुझे सपोज जे प्रिंट करना है, जेलो वर्ल्ड बोलना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, सो आई कैन नॉट राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ग्रीटिंग्स इंडेक्स पोजिशन इक्वल टू सम न्यू कैरेक्टर्स, सो ये यहाँ पे ये कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। हम लोग है ना एक बार चेक करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोगों के पास, मैं आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं, वी हैव दिस कोडिंग विंडो। अब ये जो भी प्रोग्राम्स लिखे हैं ये बेसिक वाले नोट्स में से ही है, तो इसका मैं कोई अभी फाइल नहीं बना रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल बनाते हैं str python। अब फर्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे देखो मल्टीपल नंबर्स है 3 7
एट नाइन, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखूं प्रिंट नम एंड जीरो इंडेक्स पोजिशन, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ओके। सो अब मैं यहां पे जीरो इंडेक्स पोजिशन लिखता हूं, तो ये क्या कर रहा है, जीरो इंडेक्स पोजिशन पे कौन सा नंबर है, थ्री है, वो प्रिंट कर रहा है। अगर मैं नंबर बड़ा कर दू 30 और एक क्या आ गया, अगर मैं जीरो डाल दू, नाउ लेट्स सी, जीरो इंडेक्स पोजिशन पे कौन सा नंबर है, 30 है, वो प्रिंट कर रहा है। देन अगर मैं यहां पे लिखता हूं कोलन 3, सो जीरो इंडेक्स पोजिशन से थर्ड इंडेक्स पोजिशन तक के सारे नंबर्स वो प्रिंट करेगा, ये देखो 30, 50 एंड 70, ओके। अब आई कैन डू वन थिंग हियर, नीचे लेके जाता हूं, आई कैन राइट नम इंडेक्स पोजिशन 0 इक्वल टू 100, ध्यान से देखो क्या किया मैंने, एंड अभी मैं इंडेक्स पोजिशन 0 का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, ओके। ये देखो इंडेक्स पोजिशन 0 पे 100 रिप्लेस हो गया, मतलब जहां पे 30 था पहले वहां पे अभी क्या आ गया, 100 आ गया। अगर मैं पूरा ये लिस्ट अगर प्रिंट करूं, सो ये देखो 30 के जगह पे 100 आ गया, मतलब इंटीजर नंबर्स जब रहते हैं ना, नंबर्स आर म्यूटेबल, इसके अंदर जो कुछ इंडेक्स पोजिशन पे वैल्यूज है ना उसको मैं चेंज कर सकता हूं। बट अब यहां पे हम लोग कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, आई कैन राइट कमेंट अबो नंबर्स आर म्यूटेबल, क्लियर है। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैन राइट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, कैसे। सो हम लोग के पास str वेरिएबल है, ये str वेरिएबल के अंदर दिया वैसा लेते हैं, चलो ग्रीटिंग्स इक्वल टू, यहां पे मैं लिख रहा हूं गुड मॉर्निंग, ओके। अब इफ आई प्रिंट इंडेक्स पोजिशन 0, ठीक है, ध्यान से देखो, सो क्या होगा, इंडेक्स पोजिशन 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, जी है, ये प्रिंट हो गया। अब ऊपर जैसे स्ट्रिंग को हम लोगों ने म्यूटेट किया था, उसका एलिमेंट चेंज किया था, वैसा अगर मैं यहां पे ट्राई करूं, इफ आई राइट ग्रीटिंग्स इंडेक्स पोजिशन 0 इक्वल टू जी के जगह पे जे कर दो, ओके, एंड इफ आई रन दिस, ये देखो ये एरर देगा आपको, है ना, नेम जे इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये जो मेरा स्ट्रिंग है उसके बीच में मैं कोई कैरेक्टर्स को हटा नहीं सकता हूं। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, गुड मॉर्निंग की जगह पे ये जो स्टार्ट में जी है उसके जगह पे जी प्रिंट करना है। तो वो टाइम पे आई कैन राइट कमेंट हियर बिलो लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज are immutable, ठीक है, हम लोग changes नहीं कर सकते string में। तो अब अगर मुझे यहाँ पे good morning में आगे ये j print करना है instead of g, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम लोग ने जो pattern सिखाया वो करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं variable बना दूँगा, I can create a variable str equal to j, okay। और मैं यहाँ पे लिखूंगा str plus greetings और यहाँ पे 1 colon लिख दूंगा, तो 1 के आगे का पूरा as it is print होगा, देखो। So यहाँ पे good morning की जगह पे good morning आ गया, that's it। So this is how we work with the strings। So जब आप strings को modify नहीं कर सकते, strings are immutable, changes नहीं हो सकता, सो वेन वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन टू स्ट्रिंग्स, तो वो टाइम पे ये जो स्ट्रिंग फंक्शन हम लोगों ने सीखे है, जहाँ पे हम लोग इंडेक्स पोजिशन फॉलो करके स्ट्रिंग्स को पार्ट बाई पार्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, दिस पैटर्न वी फॉलो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन, एनी वन एनी डाउट्स, क्लियर है सबको, एनी वन एनी डाउट्स, चलो जल्दी से प्रोग्राम टाइप करो, पोस्ट योर आउटपुट क्विकली, देन विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, जल्दी से ट्राई करो। Now what you have to do, you have to replace
ऑल ओ विद इन द स्ट्रिंग. ध्यान से देखो, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम. यहाँ पे देखो मैं कमेंट में लिख रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम प्लेसिंग ऑल फ्रॉम स्ट्रिंग विथ ए. ठीक है, चलो ये गुड मॉर्निंग में जहां जहां पे भी ओ है उसको आपको रिप्लेस करना है ए से, प्रिंट करना है वैसे. चलो जल्दी से, सिर्फ गुड मॉर्निंग वाला करके बताओ बस. रिप्लेस ऑल ओ ए. ठीक है, सो गुड मॉर्निंग में यहां पे इसको स्ट्रिंग को मैं छोटा कर देता हूं. तो ये गुड के अंदर जहां जहां पे भी ओ है उसको रिप्लेस करो ए से क्विकली. यू हैव टू पोस्ट आउटपुट, हाँ जल्दी करो. आई होप पीपल आर ट्राइंग. यस नो सर, चैट बॉक्स इज नॉट विजिबल फॉर अस. बेटा चैटबॉट में चैटबॉक्स में डाला ही नहीं है मैंने. मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन डाला, देखो ना जहाँ पे प्रोग्राम लिखा मैंने. बट हमको चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट डालने के लिए चैट बॉक्स विजिबल ही नहीं है. अच्छा, तो जो एक ही डिवीजन को दिख रहा है क्या चैट बॉक्स? इज इट विजिबल टू जस्ट वन डिवीजन? यस सर, ए डिवीजन. यस सर. अच्छा ओके, वो दो चैनल वहाँ पे ऐड नहीं हो रहा था, दैट वाज द प्रॉब्लम. ठीक है, सो चलो यहाँ तक ये वाला जो प्रोग्राम है ये बाद में आप अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंडिविजुअल लेक्चर उसमें आप करके बताओगे फ्राइडे सैटरडे को. जस्ट नोट डाउन दिस लेक्चर, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये नोट करो. इज इट डन? कैन वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट? यस सर. जिन ए एंड बी both division A and B, anyone from B division? Done? Yes. Okay. Yes sir. Yeah. So हम लोग बता रहे हैं कि string को हम लोग easily modify नहीं कर सकते, so that's why we follow this pattern. Why? Because the obvious reason is strings are immutable. मतलब We cannot modify strings. जो वो रहेगा वो ही रहेगा. आपको अगर उसमें changes अगर करने हैं तो आपको उसको slice करके नए characters उसमें join करके बताना पड़ेगा, जैसे ये वाले part में किया हम लोगों ने. अगर search करना है, if you want to search something from the index, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? We can use find function of string. देखो find function है, क्या किया है, वी हैव str find begin from zero and length of the string, तब तक आप सर्च करो. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास एक बड़ा सा स्ट्रिंग है. ओके, ये देखो, दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल. स्ट्रिंग टू क्या है? एग्जाम. देन हम लोगों ने क्या बोला? प्रिंट str1 dot find str2. str2 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर ये स्टार्टिंग के चार वर्ड एग्जाम आता है, तो उसने फाइंड करके एग्जैक्ट पोजीशन मुझे बता दिया. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन यूज फाइंड फंक्शन. सिंपल है, ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है. वी कैन क्विकली जस्ट ट्राई इट हियर. सो यहाँ पे नीचे आई कैन जस्ट राइट मॉर्निंग, How are you? So this is our string. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, I write str में I write how. ठीक है, and यहाँ पे I'll call find function. ठीक है, find function. So I will write print say
फाइंड करो, क्या फाइंड करना है आपको ग्रीटिंग्स में से, मैंने str वेरिएबल में जो चीज डाला है वो उसका एग्जैक्ट पोजीशन, सो यहां पे उसका एग्जैक्ट पोजीशन प्रिंट करेगा देखो. ओके सो आई कैन राइट इन द कमेंट हियर अ स्टेटमेंट, सॉरी दिस इज पोजीशन ऑफ हाउ वर्ड इन स्ट्रिंग, सो हाउ वर्ड जो है स्ट्रिंग में उसका पोजीशन क्या है 14 है, दैट्स इट. सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद द फाइंड फंक्शन. सॉरी सो हम लोग को अगर बहुत बड़ा अगर कोई स्ट्रिंग है तो हम लोग यहाँ पे बता भी सकते हैं कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपको एंड करना है. ये बिगिनिंग और एंड वाला जो पार्ट है वो भी हम लोग कर सकते हैं. जैसे आई कैन राइट प्रिंट, इसमें से सर्च करना है ग्रीटिंग्स में से, ध्यान से देखो, ग्रीटिंग्स में से सर्च करना है कॉमा बिगिनिंग. बिगिनिंग कहाँ से होगा, जीरो से होगा. ओके एंड अब ये जो है ना, ये यहाँ पे हम लोगों का जो पुराना पाइथन था ना उसके अंदर ये बिगिनिंग और ये वाला पार्ट था. अभी वाला जो पार्ट है इसमें ये वाला जो फंक्शन है ये वर्क नहीं कर रहा है, ये वेरिएबल बना रहा है उसको, ठीक है. सो हम लोग ये वाला ट्राई नहीं करते. सो मैंने आपको जो बताया वो फाइंड फंक्शन, दैट्स व्हाट वी कैन यूज हियर. देन लूप एंड काउंटिंग कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पे हम लोग, मैं टाइटल देता हूँ लूपिंग एंड काउंटिंग. वर्क कैसे करेगा, सपोज मेरे पास ग्रीटिंग्स वाला जो वेरिएबल है वो सेम है, मैं नया वेरिएबल बना देता हूं str1 इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं टेस्टिंग लूपिंग एंड काउंटिंग. ओके दिस इज माय स्ट्रिंग जिसके ऊपर मैं अभी अप्लाई करने वाला हूं. काउंट जो है वेरिएबल मैंने काउंट, ठीक है, इनबिल्ट नहीं है, जिसको मैंने फाइनली इनिशियलाइज किया जीरो पे. अब मैं यहाँ पे फॉर लूप करता हूँ कैर इन, मतलब एक एक कैरेक्टर मेरा str1 वाला जो स्ट्रिंग है उसमें से एक एक कैरेक्टर कैर के अंदर आएगा, ठीक है. एंड इफ आई से कैर इक्वल टू अगर ए है, जब कभी हम लोग के इसमें ओ डालते हैं, हम लोग ओ ज्यादा बार है, ए नहीं है, तो इफ आई राइट, जब कभी कैरेक्टर का वैल्यू अगर ओ मैच होगा यहाँ पे, जैसे लूपिंग में डबल ओ है, काउंटिंग में ओ है, तो जब कभी अगर ओ कैरेक्टर मैच होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट को प्लस वन से इंक्रीमेंट कर दो. सो ये काउंट प्लस इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन. अगर मैं यहाँ पे आगे कमेंट डालू, इसका मतलब होगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, इसी को हम लोग शॉर्ट में ये प्लस इक्वल टू वन वे में लिख सकते हैं. एंड देन आई कैन प्रिंट काउंट, ठीक है. तो मैंने काउंट को इंक्रीज किया और उसके बाद में मैं यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहा हूं, यहाँ पे इफ लूप में, इफ जहां खत्म होता है वहां पे प्रिंट करते हैं, ठीक है. सो देखो क्या बता रहा है, सबसे पहले ये स्टार्ट में ये देखो, ये ऊपर वाला जो है ये तो पोजीशन है, इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, ये स्ट्रिंग को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं तो आपको छोटा आउटपुट मिलेगा तो समझेगा. ये देखो दिस इज माय आउटपुट, जहां पे उसने क्या किया, काउंट प्रिंट करते जा रहा है वो, ठीक है, और लास्ट में वो उसका नंबर प्रिंट कर रहा है. अब मुझे काउंट इंक्रीज कब हो रहा है, देखो मैंने क्या बोला है, ये एज पर दिस प्रोग्राम व्हाट वी हैव डन दैट व्हेनेवर कैरेक्टर आपका कौन सा मैच होगा ओ, तो तभी आपको काउंट का वैल्यू वन से इंक्रीमेंट करना है. तो स्टार्ट में देखो एल जो है वो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे, जैसे ही ओ आया
इंडेक्स पोजिशन मेरा वन हो गया है ना, काउंट का सॉरी काउंट का वैल्यू मेरा वन हो गया, मैं काउंट प्रिंट कर रहा हूँ, इंडेक्स नहीं काउंट प्रिंट कर रहा हूँ मैं। तो काउंट इनिशियलाइज मैंने किया था जीरो पे, तो स्टार्ट में देखो जीरो प्रिंट हुआ, बाद में उसको ओ मिला तो उसने काउंट का वैल्यू वन कर दिया, वापस ओ मिला तो वापस उसने काउंट का वैल्यू टू कर दिया। उसके बाद में पी आई एन जी स्पेस एम्पसेंड स्पेस एन सी, कितने कैरेक्टर्स है, वन पी देन आई टू एन थ्री जी फोर स्पेस फाइव एम्पसेंड सिक्स अगेन स्पेस सेवन एंड एट। तो एट टाइम्स आपको यहां पे सिर्फ टू मिलेगा, देखो ये वन टू थ्री फोर देन फाइव, सॉरी देखो यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, वो एट टाइम टू ही है। और उसके बाद में सी के आगे वापस ओ आया, वैसा मेरा जो काउंट है उसका वैल्यू क्या हो गया, थ्री हो गया। और उसके बाद में लास्ट के जो ये आपके लास्ट के आपके ये जो सिक्स कैरेक्टर्स है उसके लिए खाली वापस देखो सिक्स टाइम्स थ्री प्रिंट हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम्स थ्री प्रिंट हुआ है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज लूपिंग एंड काउंटिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन एनी डाउट्स? ए डिवीजन पोस्ट योर आउटपुट, जिनको चैट विजिबल है पोस्ट योर आउटपुट। चलो जल्दी से। एंड डिवीजन बी पोस्ट आउटपुट ऑन पर्सनल चैट, जल्दी करो चलो। डू इट क्विक। ये पूरा जो प्रोग्राम अभी तक हम लोगों ने किया है ये पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ पे पोस्ट करना है, स्टार्ट से जो तीन पैटर्न अलग अलग मैंने बताया, जल्दी करो। ओके आई गॉट आउटपुट फ्रॉम वन स्टूडेंट, गुड। टू स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके एंड आई होप आज सीआर सुन रहा है या भारी है। दीप नहीं सर, घर पे वो दिन वैक्सीन लेने गया था मैं। ठीक है। सो आई होप टिल दिस पॉइंट इट्स क्लियर टू एवरीवन। एनीवन एनी डाउट लेट मी नो। सो इफ दिस इज क्लियर देन स्ट्रिंग के हम लोग के जो अलग अलग मेथड्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए, अब कुछ फिर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। So I'll just create a new file. I'll write str underscore methods dot python. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के स्ट्रिंग मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया my str my string equal to, यहाँ पे मैं डालता हूँ hello world। देखो मैंने पूरा small में लिखा हुआ है। अब वी हैव डिफरेंट फंक्शंस। सो पहला जो फंक्शन है दैट इज एलियन लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन में मैं लिखूंगा माई एस टी आर, तो ये क्या करेगा हेलो वर्ल्ड स्पेस काउंट करके उसका जो लेंथ है ना वो प्रिंट करेगा, फाइव कैरेक्टर्स हेलो के, फाइव कैरेक्टर वर्ल्ड के एंड स्पेस। तो टोटल मेरा लेंथ कितना हुआ, 11 का मेरा लेंथ हुआ। प्रिंट ब्रैकेट इतना एंटर करो एंड डॉट डालो। ये देखो ये आपको सारे हम लोगों ने पहले भी देखा था, सारे जो स्ट्रिंग के फंक्शंस है ना वो यहाँ पे लिस्ट आउट होते हैं। इज लोअर मतलब अगर मेरा स्ट्रिंग अगर लोअर केस में है तो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। क्लियर है? सो चलो ट्राई करते हैं। ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, देखो इज लोअर माई स्ट्रिंग माई एस टी आर इज लोअर येस, तो उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। अब मुझे अगर ये मेरा जो स्ट्रिंग है इसको अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई एस टी आर डॉट टू अपर। यहाँ पे देखो ये अपर फंक्शन आपको आएगा, एक सेकेंड
डॉट, अब यहाँ पे आपको मिलेगा अपर फंक्शन, ये देखो. ओके दैट्स इट. सो मेरा ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया. एंड अभी ये जो अपर केस में कन्वर्ट हुआ है इसको वापस अगर लोअर में करना है तो मैं यहाँ पे लोअर लिख दूंगा, सिंपल है और कुछ भी नहीं है. सो यहाँ पे आई कैन राइट लोअर. ओके सो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. देन वी हैव अनदर फंक्शन माई एस टी आर डॉट. अब यहाँ पे देखो आपके पास बहुत सारे फंक्शंस है जिसमें से वी हैव ASCII कोड. तो ये जो मेरा स्ट्रिंग है उसका ASCII कोड जो रहेगा स्टार्ट का वो आपको यहाँ पे बताएगा. सो यहाँ पे देखो आ गया ASCII कोड इज ASCII और सॉरी उसका ASCII कोड नहीं, यहाँ पे अगर वो ASCII, हाँ बोलो बोलो. हाँ सर ये बुलियन रिटर्न करेगा. हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ सॉरी, वो ASCII कोड जो है वो दूसरा रिटर्न करता है. इज ASCII अगर ASCII कैरेक्टर्स अगर है हम लोगों के तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. सो यहाँ पे वही उसने ट्रू रिटर्न किया हुआ है. सो दैट वे वी हैव मल्टीपल फंक्शंस इन स्ट्रिंग जो हम लोगों ने बहुत सारे ट्राई किए हैं, सेम वे यू सपोज टू ट्राई. ओके अब आई कैन ऑल्सो यूज प्रिंट माई एस टी आर डॉट. अब यहाँ पे देखो कैपिटलाइज क्या करेगा, व्हाट डू यू थिंक कैपिटलाइज क्या करना चाहिए? फर्स्ट मेरा जो स्टार्टिंग अल्फाबेट को यस कैपिटल कर देगा. ठीक है ये हेलो यहाँ पे स्मॉल में था एच, यहाँ पे उसने कैपिटल कर दिया. सो ये वे में हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस ऑलरेडी किए हुए हैं. यू सपोज टू ट्राई एग्जैक्टली सेम वे, ये सेम चीज आपको नोट्स में दिया हुआ है. अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास ये बहुत सारे है. ओके अब यहाँ पे मैं एंड विड्थ चेक करूंगा, कुछ है फाइंड करना है, कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर फाइंड करना है तो इंडेक्स पोजीशन फाइंड करना है. इज ऑल नंबर तो मैं वो यहाँ पे चेक करूंगा. सो यहाँ पे देखो इज ऑल अल्फा, मैंने यहाँ पे चेक किया कि मेरा जो स्ट्रिंग है उसमें सारे अल्फाबेट्स है क्या. लेट्स सी क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्पेस भी मैंने दिया हुआ है, खाली अल्फाबेट नहीं है. इज ऑल नंबर इसके लिए भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा. क्यों? बिकॉज सारे नंबर्स भी नहीं है. अब अगर मैं डबल कोट्स में यहाँ पे सिर्फ अगर नंबर दे दूं, ओके सो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो ट्रू बता रहा है. क्यों? बिकॉज आपने जो भी कुछ एंटर किया वो सारे नंबर्स है. अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अगर विदाउट स्पेस अगर मेरे कुछ कैरेक्टर्स एंटर करूं जैसे हेलो वर्ल्ड विदाउट स्पेस, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा इज ऑल नंबर, यहाँ पे देखो एक सेकेंड ये रॉन्ग क्यों दे रहा है, एक सेकेंड इज ऑल अल्फा. ओके कुछ तो प्रॉब्लम है. ठीक है सो दिस इज हाउ वी हैव फंक्शंस यहाँ पे. तो हम लोग के अलग अलग जो फंक्शंस है वो ट्राई कर लो. कोई कोई फंक्शंस जो है उसमें कहीं पे हम लोगों को थोड़ा चेक करना पड़ता है वो आउटपुट क्यों क्या दे रहा है. सो यू कैन जस्ट सिंपली ट्राई आउट दैट फंक्शंस. सो आई जस्ट ओपन नोट्स और उसमें देख लेते हैं कि कहाँ तक हम लोगों का डिस्कशन हुआ है. सो उसके बाद वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट. सो हियर इज आवर नोट्स. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स, दिस इज आवर टाइटल जो पहले हम लोगों ने किया हुआ है. वी हैव मल्टीपल सच स्ट्रिंग मेथड्स अवेलेबल. सो यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, इन एडिशन टू अ फंक्शन दैट वी हैव डिस्कस टिल नाउ वी हैव सम स्पेशल मेथड्स फॉर अ स्ट्रिंग. लाइक एक है आपका एलियन फंक्शन है, लेंथ फाइंड करेगा स्ट्रिंग का. देन अपर वाला फंक्शन है जो हम लोगों ने अभी देखा, तो क्या करेगा आपके स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा. काउंट सिंपल काउंट देगा है ना. देन मैंने यहाँ पे काउंट हेलो लिखा तो ये देखो ये क्या बता रहा है, पता है यहाँ पे मैंने काउंट द लिखा हुआ है टी एच ई. तो मैंने ये जो बड़ा सा स्ट्रिंग यहाँ पे दिया हुआ है इसमें टी एच ई कितने बार आ रहा है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे टी एच ई जो है वो दो बार आ रहा है. सो दैट्स वाई इसका काउंट इसने टू रिटर्न किया.
देन मैंने यहाँ पे लिखा कि हेलो वर्ड जो है ये कितने बार रिपीट हो रहा है इन अबो स्ट्रिंग, तो ये बोल रहा है कि भाई एक भी बार रिपीट नहीं हो रहा है, एक भी बार यहाँ पे आपको कहीं पे भी हेलो वर्ल्ड वर्ड नहीं दिखेगा। देन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मेरे स्ट्रिंग में कितने बार रिपीट हो रहा है वो हम लोग बता रहे हैं। देन ऊपर मेरे पास एक स्ट्रिंग है उसमें हम लोग काउंट कर रहे हैं कि ये जो वर्ड है ये कितने बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए एच ए एक बार रिपीट हो रहा है और उसके बाद में एच ए, तो इसके लिए इसने यहाँ पे वन रिटर्न किया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव मल्टीपल सच मेथड्स अवेलेबल इन स्ट्रिंग टाइप, ये वाला जो पैटर्न है यहाँ पे ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट डालो और आपको सारे फंक्शंस का लिस्ट आ जाता है, ये हम लोग को ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस्ड कैपिटलाइज क्या करेगा, फर्स्ट आपका स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है इसको कैपिटल कर देगा, है ना। देन सेम थिंग इज गिवन हियर एज वेल ब्रैंडन, तो ये इसने क्या किया ब्रैंडन का बी जो है वो कैपिटल कर दिया, देखो। देन वी कैन विद द हेल्प ऑफ अ फाइंड फंक्शन वी कैन फाइंड सम स्पेसिफिक थिंग्स विद इन आर स्ट्रिंग, सो इसके लिए हम लोग फाइंड यूज करते हैं। देन यहाँ पे अगर मुझे जैसे यहाँ पे देखो ये बनाना के अंदर वी सपोज टू फाइंड ए, तो यहाँ पे बताएगा कि एग्जैक्टली बनाना में ए कहाँ पे है ना, उसका इंडेक्स पोजिशन बताएगा। सो फर्स्ट टाइम जहाँ पे वो कैरेक्टर आ रहा है ना वो यहाँ पे ये फाइंड करके बताएगा आपको। अगर टोटल नंबर ऑफ ए कितने बार रिपीट हो रहा है वो अगर चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रूट डॉट काउंट एंड ब्रैकेट में ए, तो ये टोटल नंबर ऑफ ए कितने बार रिपीट हो रहा है दैट इज थ्री, तो वो ये देगा। अगर आप फाइंड लिखेंगे तो जो वेरी फर्स्ट टाइम ये जहां पे भी ए आएगा ना उसका इंडेक्स पोजिशन यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है, देखो। सो दैट्स द डिफरेंस। देन फ्रूट में अगर मुझे एन ए फाइंड करना है तो सबसे फर्स्ट इंडेक्स पोजिशन एन ए का कहाँ पे आ रहा है, सो आई से कि एन ए का पोजिशन आ रहा है जीरो से, अगर काउंट चालू होगा जीरो वन एंड टू, तो सेकेंड इंडेक्स पोजिशन पे एन ए वर्ड स्टार्ट हो रहा है आपका, स्टार्टिंग पोजिशन बताएगा ये। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देन सेम वे यहाँ पे आपको ये सेम बता रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे किया इन एडिशनल आर्ग्यूमेंट दैट स्पेसिफाई द इंडेक्स एट विच इट शुड स्टार्ट। सो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ओके हम लोग के पास एन ए जो है ना वो दो बार है, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि ओके एन ए को सेकेंड इंडेक्स पोजिशन सेकेंड टाइम जब वो आ रहा है ना वहां से आप काउंट करना चालू करो, वहां से फाइंड करो, तो वो मैंने इंडेक्स पोजिशन बताया ओके कि ये इंडेक्स पोजिशन है थर्ड, थर्ड के आगे मुझे सर्च करके बताओ कि कहां से एन ए वापस रिपीट हो रहा है। तो जीरो सू अगर ये बनाना यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है दिस इज जीरो इंडेक्स पोजिशन वन टू थ्री, तो मैंने क्या बोला ये थ्री तक नहीं उसके आगे एन ए कहाँ पे आ रहा है ना उसका इंडेक्स पोजिशन बताओ मुझे ओके। सो कहाँ से काउंटिंग चालू होगा कहाँ से फाइंड करना चालू करेगा वो मैंने यहाँ पे बताया एन ए कॉमा थ्री। एनीवन एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, क्लियर है सबको? यस यस सर या ओके। सो दिस आर स्ट्रिंग फंक्शंस, क्वाइट सिंपल फंक्शंस। अब इसके आगे इन ऑपरेटर होता है हम लोगों के पास, हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर यूज किया है इन ऑपरेटर, बहुत सारे लोकेशन पे यूज किया है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये है सच पैटर्न, लेट्स सी इन ऑपरेटर डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, ट्राई करते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम वी ट्राई नाउ। I'll just give a title in underscore operator dot python. तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ double quotes में लिखूंगा suppose h in double quotes hello और इसको मैं print करता हूँ, let's see क्या बता रहा है। true H जो है ये हेलो जो मैंने दिया हुआ है इसके अंदर है, सो दैट्स व्हाई इट्स रिटर्निंग ट्रू हियर। सो दिस इज योर इन ऑपरेटर। अब सेम भी अगर मैं यहाँ पे वापस चेक करूं डू वी हैव जेड इन दिस हेलो, तो ये भी यहाँ पे उसके लिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। सो इन कैरेक्टर सिंपल है, कोई एक चीज किसी के
कोई एक दूसरे स्ट्रिंग में है या नहीं वो फाइंड करने में हेल्प करेगा. आई कैन ऑल्सो फाइंड प्रिंट थ्री थ्री. अब मैं यहाँ पे लिस्ट दे दिया 3, 4, 5, 6, 7. इसके लिए क्या रिटर्न करना चाहिए, देखो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, बिकॉज 3 इज प्रेजेंट इन दिस लिस्ट. तो नंबर्स और स्ट्रिंग्स दोनों के ऊपर हम लोग ये इन कीवर्ड यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ इफ आई चेंज दिस नंबर टू सपोज 10, तो अब यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए. देखो यहाँ पे ये लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर रहा है थर्ड वाले के लिए. व्हाई? बिकॉज 10 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स. सो हम लोग इन कैरेक्टर जो है, इन ऑपरेटर सॉरी, ये स्ट्रिंग और नंबर्स दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इन वेरी सिमिलर वे. सो दिस इज क्वाइट सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे आपको कोई इतना डिफिकल्ट चीजें दिए नहीं है. सो इफ आई जस्ट अगेन शेयर नोट्स, सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इन ऑपरेटर. जैसे एप्पल है तो एप्पल में पी है क्या, तो ट्रू देगा. आई है, नहीं है, फॉल्स देगा. ए पी है, यस, तो ट्रू देगा. सेम वे फॉल्स देगा अगर कोई एक कैरेक्टर या वर्ड. आप पूरा वर्ड भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. आई कैन राइट लाइक यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो इन हेलो सॉरी हेलो वर्ल्ड. तो अब यहाँ पे मैं फाइंड कर सकता हूँ. तो अगर यहाँ पे चेक करेगा ये हेलो इज देयर इन दिस स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा. सो आई कैन सर्च अ सिंगल कैरेक्टर नंबर जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम में देखा, एज वेल एज सम वर्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग. ये हम लोग चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर. सो ये आपका इन ऑपरेटर हो गया. उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हुए. तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी हैव दिस प्रोग्राम. चलो आपको ये वाला प्रोग्राम ट्राई करना है, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या प्रोग्राम दिया हुआ है. कंबाइन द इन ऑपरेटर विद द स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन दैट इज प्लस साइन, वी कैन राइट अ फंक्शन टू रिमूव ऑल द वोवल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा रिमूव वोवल्स, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं आपके. तो वोवल्स हम लोग क्या करें, वोवल कंटेन ऑल द लेटर वी वॉन्ट टू रिमूव. तो जब कभी अगर कहीं पे भी ए ई आई ओ यू स्मॉल या कैपिटल में आएगा तो उसको आपको रिमूव करना है. सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी हैव सम स्ट्रिंग वेरिएबल विच इज विदाउट वोवल्स. ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर ये एस के अंदर, एस में से एक एक लेटर जो है वो किस में आएगा, एक एक कैरेक्टर आएगा लेटर में. चेक करेंगे इफ द लेटर इज नॉट इन द डिसअलाउड लिस्ट ऑफ द लेटर, इफ लेटर इज नॉट वोवल, इफ लेटर, ठीक है, यहाँ पे देखो ये लेटर हम लोग का वेरिएबल है, नॉट इन अगेन ऑपरेटर है वोवल्स में. ठीक है, वोवल्स ये मेरा वेरिएबल नेम है. तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इफ लेटर दैट इज माई दिस फॉर लूप में हम लोगों ने जो ये वेरिएबल क्रिएट किया वो, ये लेटर के अंदर जो भी अगर अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इफ दोज कैरेक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन वोवल, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे मैं विदाउट वोवल वाला जो मेरा वेरिएबल है उसमें ऐड करते जाऊंगा. देखो विदाउट वोवल्स प्लस इक्वल टू लेटर, मतलब इसके अंदर एक बाई वन बाई वन एक एक कैरेक्टर यहाँ पे आते जाएगा. एंड लास्ट में हम लोग ये जो वेरिएबल है इसको रिटर्न कर रहे हैं. वेरी सिंपल. चलो क्रिएट दिस फंक्शन क्विकली, यू हैव 3 मिनट्स टाइम. चलो गाइज, ये जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम बताया, डू इट क्विकली. मुझे आउटपुट नहीं मिला किसी के भी साइड से. हाउ मेनी आर ट्राइंग, रेज योर हैंड्स. ओनली 10-12 पीपल आउट ऑफ 90. ओके, गुड.
चलो जल्दी पोस्ट करो आउटपुट. वेरी गुड अभिषेक, फर्स्ट स्टूडेंट टू पोस्ट आउटपुट. चलो बाकी लोग जल्दी पोस्ट करो. ओके वेरी गुड. Okay, so many students already posted their output. Very good. So the same program will work here as it is given in the notes. As you can see, remove vowels. Vowels हम लोगों ने define कर दिए कौन से कौन से है. Without vowel हम लोग का string जो variable है by default उसको null रखा हुआ है. Then हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक जो string है हम लोग का उसमें से one by one letter हम लोग letter वाले variable में लेंगे. And then यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इफ लेटर नॉट इन वोवल्स तो हम लोग यहाँ पे इसको एड करके वो सेम जो वेरिएबल है इसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे. वेरी सिंपल थिंग, नथिंग मच टू डिस्कस. वेरी गुड. ओके सो मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने भी पोस्ट किया एकदम प्रॉपर है. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो वोवल्स वाला जो हम लोगों का प्रोग्राम है दैट्स क्वाइट सिंपल. स्ट्रिंग कंपेरिजन बहुत सिंपल है. इफ वर्ड इज लेस देन दिस तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे कुछ एक चीज तो कंपेयर करेंगे. वॉट वी आर ट्राइंग टू से हियर दैट वी कैन यूज कंपेरिजन ऑपरेटर, वी कैन यूज कंपेरिजन ऑपरेटर विथ स्ट्रिंग्स एज वेल. तो कंपेरिजन ऑपरेटर कौन से रहते हैं, ग्रेटर देन greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, equality operator, not equal to, है ना, ये सारे आपके comparison operators होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं. हम लोगों ने क्या देखा, if word is less than banana, print your word ये as it is print होगा, then variable का value come before banana. And else if word greater than banana, we have to write come after banana, something like that. मतलब खाली हम लोग यहाँ पे ये check करने की try कर रहे हैं that comparison operator can work with this strings as well. That's what we are trying to emphasize here. ठीक है, so greater than, less than जो हम लोग के operators है they work here as well. So यहाँ पे suppose मैं यहाँ पे एक program लिखता हूँ string comparison. Let's try this program. So I'll just create a new file. String comparison dot python. अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, I'll create one variable. अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा if word, okay that's my variable. If word is less than banana, मतलब इसका length if less than banana है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, I can write print. I am going to use f function. देखो f function और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, हम लोग लिखेंगे your word then, कैसे लिखते हैं f function जल्दी बताओ, f function कैसे लिखते हैं हम लोग, हाँ कर्ली ब्रैकेट्स में क्या आएगा एफ फंक्शन, ये राउंड ब्रैकेट में आएगा या किस में आएगा, वर्ड पर कर्ली ब्रैकेट्स में आएगा, कर्ली ब्रैकेट में आएगा. ओके तो जो हम लोगों का वेरिएबल है वो किस में लिखेंगे, वर्ड, दिस इज माय वेरिएबल, ये ऐसे वर्क करेगा क्या, डबल कोट्स आएगा.
सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, योर वर्ड देन जो वेरिएबल है इसको हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स में डाला, बराबर है। उसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद वापस मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमा एंड सेम गोज ऑन योर वर्ड दैट इज टेस्ट कम्स आफ्टर बनाना, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट मैं लिखूंगा else if, else if word greater than banana, तो यहाँ पे हम लोग सेम प्रिंट स्टेटमेंट वापस लिखेंगे, खाली थोड़ा चेंज हम लोग कर देंगे, दैट वर्ड कम्स बिफोर बनाना, एल्स एल्स में हम लोग लिख देंगे सो लेट्स सी, देखो क्या आ रहा है, वर्ड टेस्ट कम्स आफ्टर बनाना, ओके। अब आफ्टर बनाना क्यों आ रहा है, बिकॉज यहां पे उसने चेक किया इफ वर्ड इज लेस देन बनाना। देखो यहां पे मैं वर्ड इज लेस देन बनाना मतलब मेरा वर्ड वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर द वर्ड और कैरेक्टर्स विच आई हैव स्टोर्ड दैट इज टेस्ट, जिसका लेंथ क्या है, 4 का है, बनाना का लेंथ कितना है, 6 का है, तो 4 इज लेस देन 6, यस। तो इसके लिए पहले वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर इसका लेंथ अगर बढ़ा दूं तो अभी आपको क्या होगा, इसका लेंथ क्या हो गया, देखो ये टेस्ट 10 कैरेक्टर 10 टू 12 कैरेक्टर्स का कुछ इसका लेंथ हो गया। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो क्या बताएगा, योर वर्ड टेस्ट समथिंग कम्स आफ्टर बनाना, क्लियर है। और मैं यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी नहीं डाल रहा हूं एंड इफ आई राइट नंबर तो यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइपो एरर बता रहा है। अब अगर मैं ये सेम नंबर को कोट्स में डाल दूं और इसको अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं तो भी क्या बताएगा, क्लियर है, द वर्ड कम्स आफ्टर। सो यहाँ पे ये या तो ये वाला फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा या ये वाला ट्रू होगा, एल्स वाले पार्ट में वो कभी नहीं जाएगा। तो एल्स वाला जो मेरा पार्ट है इन दिस सिचुएशन, एल्स पार्ट इज कॉल्ड एज नॉट नॉन रीचेबल, मतलब ये आपका डेड कोड हो गया। तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं उसके अंदर बहुत बार ऐसे डेड कोड रहते हैं और आपको ऐसे डेड कोड जो है ना वो फाइन करना रहता है और उसको एलिमिनेट करने रहता है, बिकॉज सच डेड कोड्स ओनली समटाइम क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम इन आर एप्लीकेशन। सो ये मुझे आपको एग्जाम्पल देना था, तो यू कैन राइट कमेंट अबो इन दिस कोड वी हैव else part which is dead code that is never reachable code, ठीक है। Tell me any condition जिसके through you reach to this else part, do we have any condition, नहीं, या तो आपका condition क्या क्या बोल रहे हो सर, value same रहेगा। तो अब यहाँ पे अगर मेरा वैल्यू सेम है तो कहाँ पे जा रहा है, नथिंग पे जा रहा है। सो ओनली इन सम स्पेसिफिक कंडीशन इट गोज टू दिस एल्स वाला पार्ट, अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं ये सेम अगर नहीं डाल रहा हूँ, अगर मेरा लेंथ अगर कहीं पे भी अगर चेंज हो रहा है तो इट गोज टू जो मेरा इफ या एल्स वाला पार्ट है, याद रखो। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी हैव सम नेवर रीचेबल कोड, it is reachable only if length same as banana, ठीक है, otherwise ये never reachable हो गया। तो बहुत बार हम लोगों के प्रोग्राम में कोई ऐसे कोड आता है जो कभी जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं होता है, बहुत रेयरली कभी तो एग्जीक्यूट होता है, तो आपको ऐसे कोड जो है वो ट्राई करने रहते हैं, ऐसे कोड आपको टेस्ट करने रहते हैं। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट एवरी टाइम वी हैव सम सच सिचुएशन जहां पे हम लोगों के पास ऐसे कोई कोड बहुत बार मिलता है
और वो आपको सॉल्व करने रहता है. सो आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पॉइंट टू एवरीवन. एनीवन एनी डाउट्स? क्लियर है? सो Mayur, okay. So we have this conditions जहाँ पे कोई एक time पे कोई एक चीज जो है वो valid या invalid कभी तो हो सकता है. So यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा एक pattern डाला हुआ है. Okay. So यहाँ तक I hope सबको clear है. Okay. Now we'll move to next part in our notes. So we have string functions now, as you can see. We have string operations. अब जिसमें capitalize function है, ये देखो ये बहुत सारे हैं. तो ये सारे आपको try करने हैं. थोड़े बहुत मैंने बता दिए. तो इसमें से certain will work in our Python 3.9. थोड़े बहुत नहीं work करेंगे उसको छोड़ दो. Find function देखा, index जो है वो हम लोगों ने देखा, is all number ये देखा, is all alpha, is lower, is numeric, space है अपर में कन्वर्ट करना है, लेंथ. सो दिस ऑल आर स्ट्रिंग फंक्शंस. थोड़े बहुत मैंने आपको बताया, आगे के आपको यहाँ पे ट्राई करना है. मीन मैक्स रिटर्न्स मैक्सिमम अल्फाबेट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग. ठीक है. सो यहाँ पे ये बेसिकली इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो हर एक कैरेक्टर का एक पोजिशन रहता है. तो इफ आई वॉन्ट टू चेक मीन और मैक्स कैरेक्टर, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, ध्यान से देखो मीन और मैक्स कैसे वर्क करेगा. लेट्स से कि वी हैव, ओके सो वी हैव दिस बनाना. आई जस्ट राइट प्रिंट. हम लोग पहले तो एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं. आई राइट A, then okay, let's do one thing. हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे. ठीक है. A, then B, next is Z, then Y एंड टी. अब यहां पे मैं फाइंड करूंगा मैक्स. ओके ध्यान से देखो. सो ये क्या फाइंड करेगा यहाँ पे, इसने रिजल्ट देखो क्या दिया. इसमें से जो हम लोगों ने ऊपर अल्फाबेट्स बताया उसमें से मैक्सिमम अल्फाबेट जो है वो कौन सा है, जेड है. तो अगर हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर चेक करें तो हर एक का एक वैल्यू रहता है. ए का वैल्यू जो होगा ASCII कोड जो होता है, कैपिटल ए का ASCII कोड है 65. सेम वे इट गोज ऑन 66 फॉर बी, 67 फॉर सी, डी, ई, एफ, गोज टिल जेड. तो वो उसके बेसिस के ऊपर इट ट्राइज टू फाइंड इट आउट. अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक स्मॉल जेड और एक कैपिटल जेड, ध्यान से देखो. तो हम लोगों के पास ये एक दो चीजें है. तो अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू आंसर जो है वो चेंज होगा. ये देखो स्मॉल जेड ही आंसर आ रहा है, कैपिटल जेड नहीं आ रहा है. व्हाई? बिकॉज कैपिटल ए का जो वैल्यू होता है वो 65 होता है और कैपिटल जेड जो है वो उसके आगे आप 28 हम लोग के 26 क्या अल्फाबेट्स होते हैं वो आप गिन लो. सो 65 से अप्रॉक्स 75, 85, 90, 90, 91 के आसपास कहीं पे तो इसका नंबर आता है. ठीक है.
तो उसके आगे Z अगर आप देखोगे तो इसका ASCII कोड 100 के ऊपर जाता है, 120 के आसपास कुछ आता है. सो दैट्स वाई स्मॉल Z का वैल्यू जो है ASCII वैल्यू इज ग्रेटर, दैट्स वाई यहाँ पे मैक्सिमम में उसने ये रिटर्न किया. अगर मैं यहाँ पे मीन डालूंगा एंड यहाँ पे देखो मैंने ये स्मॉल a है एंड आई राइट कैपिटल a, ठीक है. सो अब आपका स्मॉल a का जो वैल्यू चालू होता है वो 95 से होता है, कैपिटल a का वैल्यू चालू होता है 65 से. सो कैपिटल a रिटर्न होना चाहिए, देखो यहाँ पे कैपिटल a रिटर्न हो रहा है. एनीवन एनी डाउट फॉर दिस? क्लियर है? मीन और मैक्स फंक्शन जो है वी कैन अप्लाई इट ऑन स्ट्रिंग्स एज वेल. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Anyone, any doubts? Guys, hello? No, sir. Okay. So we have this string functions with us. So यहाँ पे आपको ये देखो ये string function दिया हुआ है, mean, max, replace है. Replace में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक word को कोई दूसरे word से replace कर सकते हैं. ये हम लोगों ने last time जब strings के सारे program किए थे वो time पे try किया था. So you can just revise that program again. मैंने सारे program folders share किए हुए हैं दोनों division के साथ में. So यहाँ पे आपके पास अलग अलग बहुत सारे functions है. You supposed to prepare these functions for MCQs, ठीक है. सो जो मेनली बहुत ज़्यादा फंक्शंस हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, और बाकी के जो हम लोगों के पाइथन 3.9 में अवेलेबल है वो आपको देखना है. ओके, सो हियर वी आर डन विथ यूनिट 2 टिल दिस पॉइंट. स्ट्रिंग वाला जो पार्ट था दैट वाज द लास्ट पार्ट इन आर पाइथन. सो वी आर डन विथ फर्स्ट टू यूनिट्स. आपका जो सिलेबस होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. आई होप ऑल आर अवेयर अबाउट इट. नोट्स में पेज नंबर 65 तक जो जो भी कुछ थियरी दिया हुआ है एंड जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए वो कंबाइनिंग बोथ इज गोइंग टू बी सिलेबस फॉर इंटरनल्स. नोट्स में टिल पेज नंबर 65 पूरा पढ़ना है, टिल 65 पूरा पढ़ना है, ठीक है. एंड प्रोग्राम्स जो भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए स्टार्ट टू एंड तक. एनीवन एनी डाउट्स? जल्दी बताओ, किसी को कोई भी डाउट है? नो सर. अदर्स? नो सर. नो सर. ओके ठीक है. नो सर. ओके, सो इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक आता है यूनिट 3 में दैट इज लिस्ट. लिस्ट हम लोगों ने बहुत बार वैसे भी यूज किया है. हम लोग छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. आई जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स देन विल स्टार्ट, ठीक है. 10:30 से विल स्टार्ट. चलो एक छोटा सा ब्रेक हो जाएगा. सर आपका लेक्चर कंटिन्यू है? कंटिन्यू मींस दो लेक्चर्स होते हैं भाई, वही है ना? Okay, so now we'll start with our next topic. Okay, so next topic जो हम लोग का है, नोट करते जाना साथ में. So here we are starting with unit 3. List, ठीक है. This is our topic. अब list basically होता क्या है? I can say in Python list are containers, ठीक है.
एंड ये कंटेनर, कंटेनर मतलब जो कुछ हम लोगों ने बड़े ट्रेलर्स कंटेनर्स देखे ना, ट्रक जो सामान लोड करके लेके जा सकते हैं, ला सकता है. तो सेम वे इन पाइथन दिस लिस्ट आर ऑल्सो कंटेनर्स टू स्टोर ऑफ वैल्यूज. ओके, सो दिस कंटेनर्स आर कंटेनर्स टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप. So like I can just create friends. अब मेरे पास ये जो friends है इसके अंदर एक हो सकता है रोहन, राज, this might be one number, then there might be a floating point number and this kind of a list. So list is I can say list is a set of list are containers, बराबर है, list are containers to store set of values of any data type. तो मेरे पास एक list के अंदर ये आपका string values हो गया, ये आपका integer value हो गया, and this is your floating value. So ऐसे अलग अलग values जो है वो हम लोग के पास हो सकता है. There might be one more value true or false करके, that is boolean value. ठीक है, ये और एक हो सकता है. अब लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होता है हमेशा. लिस्ट में क्या होगा, इंडेक्सिंग होगा. अब यहां पे जो इंडेक्सिंग होगा ना, दिस इज जस्ट लाइक स्ट्रिंग. जो हम लोगों ने स्ट्रिंग में कैसे इंडेक्सिंग पढ़ा, एग्जैक्टली सेम चीज होगा. तो जैसे मेरे पास यहां पे लिस्ट है ये फ्रेंड्स वाला, तो आई कैन राइट फ्रेंड्स, जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे मुझे मिलेगा रोहन, देन फ्रेंड्स फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन जो है मेरा उसके ऊपर मिलेगा राज, देन फ्रेंड्स का मेरा सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे मुझे मिलेगा वैल्यू 10, एंड सेम वे थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे आई कैन फाइंड वैल्यू 50 पॉइंट, एंड फोर्थ इंडेक्स पोजीशन इज गोइंग टू बी फॉल्स, दैट इज बुलियन वैल्यू. सो जैसे हम लोग स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग वर्क करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे इंडेक्सिंग वर्क्स हियर एज वेल. एंड वहां पे कैसे हम लोग कर सकते हैं, लाइक इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट सम वैल्यूज, सो आई कैन राइट जीरो कोलन, तो जीरोथ इंडेक्स पोजिशन, दैट इज दिस इज जीरोथ इंडेक्स पोजिशन, यहाँ से आगे के सारे वैल्यू प्रिंट होंगे. देन सेम वे माई लिस्ट नेम, एंड आई कैन राइट जीरो कोलन 3, तो रोहन, राज एंड 10, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होंगे. दिस गोइंग टू बी आउटपुट फॉर दिस वन 50.20, ये जो है ये प्रिंट नहीं होगा. ठीक है, सेम वे फिर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, दैट इज माई लिस्ट नेम 0 कोलन, देन यहाँ पे मैंने और एक कोलन डाला और लिखा 2, तो एवरी सेकेंड इंडेक्स पोजिशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा 0 से चालू के. रोहन प्रिंट होगा, बाद में 10 प्रिंट होगा और लास्ट में फॉल्स प्रिंट होगा, राज और 50.20 प्रिंट नहीं होगा. ठीक है, सो जैसे स्ट्रिंग के साथ वर्क कर रहे थे ना हम लोग, एग्जैक्ट सेम वे वी कैन वर्क विद दिस लिस्ट इज वेल. चलो जल्दी नोट करो, ये नोट इट डाउन क्विकली. हो गया, नोट हो गया सबका. इज इट डन? यस सर. यस सर. ओके, ठीक है. सो अभी हम लोग लिस्ट के अलग अलग मेथड्स जो है वो हम लोग ट्राई करते हैं. ठीक है, थोड़ा कुछ लिस्ट जो है वो हम लोगों ने पढ़ तो लिया है, प्रोग्राम्स ट्राई करते हैं लिस्ट के. Just open coding window. I'll create a new file. List1.python.
देखो यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है आई से इक्वल टू एक लिस्ट बनाया ब्रैकेट डाला मैंने अब ब्रैकेट के अंदर आई कैन सिंपली राइट नंबर्स फॉर नाउ ठीक है एंड आई कैन से प्रिंट ए तो ये क्या करेगा सारे लिस्ट के जो वैल्यूज है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा देखो ठीक है ये पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया अब यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट के अंदर वी माइट बी हैविंग स्ट्रिंग वैल्यूज हैव डेसिमल वैल्यू है ना अगेन कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है और दैट इज बुलियन वैल्यू हो सकता है एंड इफ आई प्रिंट अगेन देखो ये पूरा लिस्ट प्रिंट हो रहा है सो जो हम लोगों ने पढ़ा वही यहाँ पे हम लोगों ने देखा दैट लिस्ट इज अ कंटेनर विच कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज विद इन इट ठीक है विच कैन बी स्ट्रिंग इंटीजर और एनीथिंग अब यहाँ पे मैं इसमें इंडेक्स पोजीशन भी डाल सकता हूँ इंडेक्स पोजीशन स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग डालेंगे जीरोथ इंडेक्स पोजीशन तो जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे मेरे पास जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा देन अगर मैं यहाँ पे जीरो कोलन लिखूंगा तो ये पूरा लिस्ट प्रिंट करेगा देखो देन इफ आई राइट जीरो कोलन फोर तो ये जीरो टू फोर तक के इंडेक्स पोजिशन पे जो वैल्यूज है वो प्रिंट करेगा इफ आई राइट जीरो कोलन एंड टू जीरो जीरो इंडेक्स पोजीशन से चालू करेगा लास्ट तक के सारे वैल्यूज चेक करेगा और एवरी सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा एज यू कैन सी हियर जीरो इंडेक्स पोजीशन पे वन है देन टेस्ट स्किप किया 3.55 प्रिंट किया फोर स्किप किया देन ये जो दूसरा स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट किया सिक्स स्किप किया देन अगेन ट्रू प्रिंट किया सो एग्जैक्टली हाउ वी वर वर्किंग विद स्ट्रिंग वो सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पे वर्क करेगा सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी वन देर इज नो डाउट एनी वन नाउ स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल और नॉट म्यूटेबल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा आई कैन से ध्यान से देखो ए वाला मेरा लिस्ट है उसमें जीरो इंडेक्स पोजिशन पे इंस्टेड ऑफ वन आई वॉन्ट थाउजेंड वैल्यू एंड यहां पे इसको मैं कमेंट करता हूं एंड हियर आई विल राइट प्रिंट ब्रैकेट में ए एंड जीरो इंडेक्स पोजिशन का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं मैं ठीक है लेट्स सी As you can see, one is replaced by 1000. अगर मैं पूरा अगर लिस्ट प्रिंट करूं, तो यहाँ पे देखो one के जगह पे आपको 1000 मिलेगा अभी. Then same way, अब जो H J G H है, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है? तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 0, 1, 2, 3, and 4. So मुझे क्या करना है? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे ये fourth इंडेक्स पोजीशन है वहां पे इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट हेलो सो दैट इज ऑल्सो चेंज्ड देखो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एनी डाउट्स नो सर ओके सो कीप ट्राइंग दिस विद मी So, यहाँ पे I can write here that list are mutable. We can modify values from this list. Okay. I hope this is clear to everyone. We can create two list as well. ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने एक A list बनाया Now I create B list. और ये जो B list है इसके अंदर I create 5, 6, 7, then testing. And then I write print A plus B.
मतलब मैं दो लिस्ट को ज्वाइन कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? यस दैट इज पॉसिबल. देखो ये ऊपर वाला अगर मैं कमेंट कर दूं तो आपके दो लिस्ट जो है ना वो ज्वाइन होके आया. देखो यहाँ पे, सो नाउ आई कैन राइट लाइक, आई कैन डू लाइक सी इक्वल टू ए प्लस बी. ओके एंड देन यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सी का जीरोथ इंडेक्स पोजिशन से सिक्स इंडेक्स पोजिशन तक के वैल्यूज प्रिंट करो. ध्यान से देखो, लेट्स सी. यस दिस इज वर्किंग. आई होप समझ में आया मैंने क्या किया या बाउंसर गया. इज इट क्लियर गाइस? यस सर. यस सर. ओके गुड. सो चलो जल्दी ट्राई करो, नोट करते जाओ बुक में साथ में जो आज प्रोग्राम्स यहाँ पे चैट में पोस्ट नहीं कर रहे, और जो मैंने थियरी बताया कीप नोटिंग डाउन इट. सो हम लोग के कौन से जो फंक्शंस है लिस्ट के वो आपको यहाँ पे याद रखना है. अब इफ यू फंक्शंस इन द लिस्ट, जैसे समझो कि मेरे पास ये एक ही लिस्ट है दैट इज लिस्ट बी, उसके अंदर वी हैव दिस नंबर्स, नंबर्स रखते फिलहाल के लिए. ओके एंड ये इसको मैं कमेंट करता हूं. ओके नाउ इफ आई जस्ट राइट के पास अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है. लेट्स से कि यहां पे मेरे पास नंबर्स जो है वो है 30, 8. ओके सो अलग अलग सीक्वेंस के नंबर्स है, देखो सेम नहीं है. अब यहाँ पे आई कैन राइट बी डॉट सॉर्ट, ठीक है. दिस इज माय फंक्शन, ध्यान से देखो एंड लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है. इसका आउटपुट क्या आया? नन आया, है ना. ये देखो इसका आउटपुट नन आया. अब ये क्या करेगा? सॉर्ट क्या करेगा? अपडेट द लिस्ट टू 1, 2, 3, 4 या फिर जो भी हम लोग का सॉर्टिंग पैटर्न रहेगा वो वे में सॉर्ट करके देगा. सो मुझे सॉर्ट क्या करना है? आई कैन जस्ट राइट सॉर्ट. शुड गिव आउटपुट, एक सेकेंड ना, सॉर्टिंग नहीं हो रहा है, एक मिनट. ओके ट्राई एवरीवन, सबको सेम आउटपुट आ रहा है क्या? कहीं पे कुछ तो ओके आई कैन कैच दिस डू लाइक सॉर्टेड बी इक्वल टू बी डॉट सॉर्ट एंड देन यहाँ पे मैं ये फंक्शन प्रिंट करता हूँ सॉर्टेड बी. लेट्स सी. हाँ सर, डायरेक्टली बी डॉट सॉर्ट करो और फिर बी प्रिंट करो. ओके हाँ वैसे ट्राई करते हैं. तो वी हैव डॉट डॉट बी, फिर भी होता है तो देखते हैं. प्रिंट बी, या दिस इज वर्किंग. ओके गुड, वेरी गुड. सो वेरिएबल में कैच नहीं हो रहा था, वहां से वो प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा था. सो व्हाट वी हैव डन, पहला हम लोगों ने बी डॉट सॉर्ट अप्लाई किया एंड देन हम लोगों ने उसको बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले किया. सो आई होप दिस इज क्लियर. एनीवन एनी डाउट्स? नो सर. नेक्स्ट जो हम लोग के पास फंक्शन है वो है रिवर्स.
So I can simply use reverse function here of list. इसको भी हम लोग सेम वे में करेंगे. बी डॉट रिवर्स देन आई विल प्रिंट रिवर्स कोट्स में कॉमा बी. ओके सो दिस इज आवर रिवर्स लिस्ट. देखो हायर टू लोअर नंबर्स आ गए, रिवर्स में आ गए. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डबल कोट्स में सॉर्टेड लिस्ट. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. उसके बाद में नेक्स्ट जो है हम लोग के पास है दैट इज अपेंड. हम लोग कर सकते हैं. सो आई कैन राइट बी dot append bracket में 100 last में ही append करेगा, याद रखो. and print appended list comma b. तो b में यहाँ पे देखो ये last में जो 10 है उसके बाद में यहाँ पे 200 आ जाएगा. आपके list में last में ही append कर देता है. देखो अब हम लोगों का जो लिस्ट है वो ऑलरेडी रिवर्स है, तो इसके लिए उसने रिवर्स लिस्ट के ऊपर लास्ट में आपका 200 यहाँ पे अपेंड किया उसने. आई होप दिस फंक्शन इज आल्सो क्लियर, अपेंड फंक्शन. बाद में आई कैन से बी डॉट इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट मुझे थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे 750 ऐड करना है एंड देन आई विल सिंपली प्रिंट न्यू लिस्ट विथ इंसर्टेड फंक्शन एंड हियर आई राइट बी. ओके एंड लेट्स सी. यहां पे देखो ये 750 जो है ये थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे आ गया. अगर आप देखोगे जीरो इंडेक्स पोजीशन पे 58 है, 1 पे 49, 2 पे 37 एंड 3 पे 750 आ गया. सो दिस इज हाउ वी कैन म्यूटेट. बराबर है, वी कैन मेक चेंजेस इन आवर एग्जिस्टिंग लिस्ट एज वेल. सो ये आपके फंक्शंस हो गए, फंक्शंस ऑफ लिस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. देन मुझे अगर कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट अगर यहां से डिलीट करना है तो आई कैन यूज बी डॉट पॉप. ओके और यहाँ पे मैं लिखूंगा थर्ड इंडेक्स पोजिशन पे जो 750 डाला है उसको हटा दो एंड आई विल प्रिंट पॉप पॉप्ड आउट थर्ड इंडेक्स पोजिशन वैल्यू एंड लिस्ट प्रिंट किया. देखो मैंने सो अब थर्ड इंडेक्स पोजिशन पे जो 750 है वो हट जाएगा, पॉप आउट हो गया. ये देखो यहाँ पे. ओके सो पॉप फंक्शन इज बेसिकली यूज टू देन अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर डायरेक्टली रिमूव करना है तो आई कैन सिंपली रिमूव दैट एज वेल. मतलब मुझे हमेशा उसका इंडेक्स पोजिशन याद रखने की जरूरत नहीं है. आई कैन जस्ट सिंपली राइट रिमूव, क्या रिमूव करेंगे, चलो 200 जो अपेंड किया था वो रिमूव करते हैं and I can write print updated list after remove function and यहाँ पे मैं लिखता हूँ b. okay and let's see. so यहाँ पे देखो ये जो 200 था जो अपडेट हुआ था हम लोगों का वो remove हो गया clear directly. so this is another function that is remove. I hope ये मैंने कुछ आपको फंक्शंस बताया ये सबको क्लियर है. किसी को कोई भी डाउट है, एनीवन एनी डाउट्स, एवरीवन इज इट क्लियर? नो सर. यस सर. चलो जल्दी से आप लोग नोट कर लो, ट्राई कर लो, बिकॉज दिस गोइंग टू बी आवर लास्ट प्रोग्राम आज के लिए. अब इसके आगे मैं अभी हम लोगों का जो इंडिविजुअल लेक्चर्स होंगे उसी में आगे मैं बताऊंगा.
एनीवन एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? सबको क्लियर है सारे जो भी मैंने टॉपिक बताया अभी? यस सर। तो आज के जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए हैं वो दोनों क्लास के जो आपके नोट्स के फोल्डर है उसमें मैं अपडेट कर दूंगा, आपको ये प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। यू सपोज टू ट्राई योरसेल्फ एज वेल। मेरा वेट नहीं करना है कि मैं प्रोग्राम्स डालूंगा बाद में वो देख के आप कॉपी करोगे। ट्राई इट योरसेल्फ एज वेल। कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ, जैसे अभी लिस्ट का हुआ, तो आप थोड़ा थोड़ा जो प्रैक्टिस करोगे उससे ही होता है, बिकॉज दिस इज प्रोग्रामिंग। तो हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो कुछ जो पहले सीखा रहता है वो थोड़ा सा भूल जाता है, फिर वापस हम लोग एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो वापस याद आ जाता है। तो हैंड्स ऑन शुड बी देयर ऑलवेज। ठीक है, सो इफ देर आर नो डाउट्स तो फिर हम लोग आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो।